ये संगम नगरी है। यहाँ विभिन्न रीतियाँ, परंपरा, धर्म और संस्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर प्रेम के साथ रहते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संस्था गुफ्तगू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया है। ये बहुत अच्छी बात है, इसी तरह के आयोजन होने चाहिए। साहित्य से लेकर खेल और पत्रकारिता से जुड़े लोगों को आज अवार्ड दिया गया है। इम्तियाज अहमद गाजी पिछले 21 वर्षों से इस परंपरा को निर्वहन करते आ रही हैं। उनके साथ जुड़ी टीम इस कार्य के प्रति समर्पित है। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने रविवार को गुफ्तगू की तरफ से मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में आयोजित गुफ्तगू साहित्य समारोह 2023 के दौरान कही। न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम ने कहा कि इस आयोजन में पूरे देश के अलावा अमेरिका से धनंजय कुमार का आना बेहद गौरव की बात है। इसी तरह हम सबको मिलजुल कर अच्छे देश और समाज के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए समय ले तो मैंने इनसे दो बातें पूछी। मैंने कहा कि पहले ये बता दो नेता नगरी तो नहीं रहे। बोला नहीं। मैंने कहा आयोजन कर रहे हो इतना भव्य, करोगे कहाँ, कैसे करो, क्या हो? आज मुझे लगता है कि आपने सही कहा था। हमारी भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि समय इस समय पेट के अंदर कुछ आवाज कर रहा होगा। आप लोग आए होंगे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शब्द है तो भाषा एक दूसरे में एक दूसरे को ग्रहण करती है। इसी तरह साहित्य और संस्कृति भी एक दूसरे के साथ ताल में मिला के सुर ताल मिला के चलते हैं, तब रास्ता सुगम हो जाए। यह हमारे पत्रकार बंधु हैं, आज उन्हें सम्मानित भी किया गया। आप सबके लिए निडर निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी कहना है। आप अपने आप को कैसा सजाते हैं और उसका मूल्यांकन बाहर लोग करते हैं। पत्रकारों के लिए भय के वातावरण में पत्रकारिता की नहीं जा सकती, इसलिए आपको निर्भीक होना चाहिए। गाजी जी को मैं साधुवाद इसलिए देता हूं, जब मेरे पास आए तो उसमें एक नाम छपा हुआ था जिन्हें सम्मानित किया जाएगा, वो असद काशी छाप। अभी किसी ने चर्चा किया और तब मैं छोटा था, बात को समझ नहीं पाता था। मैं स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाता था तो हमारे कोच हुआ फादर है। अभी वो बॉक्सिंग की बात चल रही थी, बीएचएस में मैं साइंटिफिक बॉक्सर रहा। हॉकी की बात चल रही थी, हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर सुजीत जी को इन सब को देखने के बाद, बल्कि जब मैं यहाँ आके बैठा तो पूनम जी ने मुझसे पूछा ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचाई पर है। हमने कहा इलाहाबाद का हाईकोर्ट ऊंचाई पर नहीं है, इलाहाबाद वो धरती है, ये वो मिट्टी है द्वाब की जहाँ। गुफ्तगू के अध्यक्ष इम्तियाज अहमद गाजी ने कहा कि हम पिछले 21 वर्षों से हम मिलजुल कर गुफ्तगू का संचालन करते आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाए। आपका सहयोग रहा तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। किस तरह का प्रयागराज एक संगम नगरी है, इस संगम नगरी में खेल के लोगों को, साहित्य के लोगों को और पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। कोशिश ये है कि हर फील्ड से जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाएं। ये आयोजन पिछले कई साल से प्रत्येक वर्ष से हम लोग करते रहे हैं, आगे भी करते रहे। आपकी शब्द है
उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने कहा कि आज के कार्यक्रम को देखकर सहज रूप से कहा जा सकता है कि गुफ्तगू ने हर क्षेत्र के लोगों का संगम प्रयागराज में एकत्रित कर दिया है। हर क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों का सम्मान करना बेहद जरूरी है ताकि अच्छे कार्य करने की प्रेरणा अन्य लोगों को भी मिले। विशिष्ट अनिल कुमार उर्फ अनु भैया ने कहा कि इम्तियाज अहमद गाजी के कार्यक्रमों से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। समय समय पर उत्कृष्ट आयोजन कराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन गुफ्तगू संस्था ने ये कर दिखाया है। नई दिल्ली से आई साहित्यकार डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज में गुफ्तगू का ये कार्यक्रम देखकर मन प्रसन्न हो गया है। इसी तरह के आयोजन पूरे देश में होने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ साहित्य का ही संगम नहीं है, बल्कि इस संगम में हर क्षेत्र के लोग शामिल है। इसी तरह हमें मिलजुल कर अच्छे समाज के लिए निर्माण के लिए कार्य करना है। हर वर्ग को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलनी चाहिए। आज से मैं भी गुफ्तगू के इस अभियान में शामिल हो गया हूँ। गुफ्तगू के सचिव नरेश महरानी ने कहा कि हमारी संस्था समाज के अच्छे लोगों के लिए समर्पित है। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर गुफ्तगू के धनंजय कुमार विशेषांक, संपदा मिश्रा की 3 पुस्तकों और प्रो शबनम हमीद की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र जय ने किया।